हेलो फ्रेंड्स, चमचम टॉयज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये है काजल का घर और आज काजल के घर में सुबह सुबह मुनमुन और शोना सो रहे हैं। दादी भी अपने कमरे में सो रही है और यहाँ काजल सुबह सुबह झाड़ू लगा रही है। जल्दी जल्दी झाड़ू लगा देती हूँ, फिर धूप तेज हो जाएगी तो मुश्किल हो जाती है आंगन में झाड़ू देने में। हाँ, जल्दी जल्दी दे ही देती हूँ, बच्चे सो रहे हैं उससे पहले दे देती हूँ। अरे ये कैसी आवाज आ रही है, अरे ये लोग कौन है? हाय हाय, ये तो बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसे दिख रहे हैं। यहाँ गांव के लोग पता नहीं कैसे ज़ॉम्बी बन गए थे और सभी ज़ॉम्बी बन करके काजल की घर की तरफ ही आ रहे थे, जिन्हें देख कर काजल डर जाती है। ए बाप रे बाप, ये ज़ॉम्बी तो मेरे ही घर की तरफ आ रहे हैं। अरे बाप रे, मैं क्या करूँ? यहाँ तो सोना मुनमुन सो रहे हैं, कहीं ये इन्हें काट न ले। अरे अरे, मेरे तरफ क्यों आ रहे हो? अरे अरे, हटो हटो, ये मुझे काट लेंगे। अरे बाप रे, काट लिया काट लिया काट लिया। अरे बाप रे, कोई तो बचाओ। अरे ज़ॉम्बी ने मुझे काट लिया। अरे अरे, अब मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊंगी, पता नहीं क्या होगा। अरे अरे, ये मुझे क्या हो गया? अरे मुझे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे मैं बदल रही हूँ, अरे मैं भी ज़ॉम्बी बन रही हूँ क्या? काजल भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है। सभी सोना के घर की तरफ जाने लगते हैं। हाँ, मुनमुन की नींद खुल जाती है और मुनमुन की नजर ज़ॉम्बी पर पड़ती है। ज़ॉम्बी को देख कर के मुनमुन डर के भूर भूर चिल्लाने लगती है, भूत 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 सोना, भूत 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 आ गए, भूत आ गए, भूत आ गए। क्या हो गया मुनमुन, कहाँ भूत आ गए? क्या हो गया, क्यों डर रही हो? कहाँ भूत है? भूत भूत, अरे छत में, यहाँ तो छत में भूत आ गए। अरे नहीं, ये भूत नहीं, ये तो ज़ॉम्बी है। अरे ऐसा तो मैंने टीवी में देखा था। अरे मुनमुन भागो, ये हमारे घर में ज़ॉम्बी कहाँ से आ गए? मम्मी मम्मी, चाचू चाचू, पापा पापा, अरे देखिए ना, हमारे घर में ज़ॉम्बी आ गए। अरे मम्मी बचाओ। ज़ॉम्बी से बचने के लिए छत पे जा करके छुप जाते हैं। और यहाँ घर में नीचे ज़ॉम्बी ने अपना डेरा डाला हुआ था। काजल के घर पे चारों तरफ ज़ॉम्बी का कब्जा हो चुका था। अब क्या होगा मुनमुन, नीचे कितने साले ज़ॉम्बी हैं? अरे आज सुबह सुबह ही कितनी गर्मी हो रखी, अरे ये मेरे घर में इतनी सारी भीड़ क्यों है? अरे ये लोग कौन है? इन औरतों को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। अरे ये क्या, ये कैसा मेकअप करके घूम रही है? इन औरतों का भी कुछ कहना नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ। अरे ये आप लोग मेरे घर में क्यों है? ये भाभी कहाँ चली गई? अरे अरे, कोई कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहा? अरे ये कौन है? अरे बड़ा अजीब सा मेकअप करके रखा हुआ है। अरे इन लोग का मैं क्या कहूँ? अरे छीछी छीछी, कितनी अजीब सी दिख रही है। कोई कंपटीशन है क्या? किसी में पार्टिसिपेट करने जाना है क्या? सभी एक ही जैसे भूतिया टाइप के लग रहे हैं। अरे कोई मुझे बताएगा कि यहाँ घर में क्या चल रहा है? अरे कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है? अरे क्यों मुझे हमेशा हर चीज छुपा लेते हो मुझे डराने के लिए? मुझे डर नहीं लगने वाला, मुझे तो रात में डर नहीं लगता, मुझे दिन में कहाँ से डर लगेगा? मत बताओ मुझे, मैं जाकर काजल भाभी से पूछता हूँ। अरे एक मिनट, ये तो सोना की टीचर है। अरे आप तो टीचर है, आप ऐसा हुलिया बना के क्यों घूम रही है? अरे आप कुछ बोल क्यों रही है? अरे अरे, मेरी तरफ क्यों आ रही है? अरे आप ऐसे क्यों बिहेव कर रही है कि जैसे आप मुझे काट खाएगी? अरे बाप रे, काट लिया काट लिया काट लिया, अरे मुझे कुत्ते की तरह क्यों काट लिया? अरे ये मुझे क्या हो रहा है? यहाँ ज़ॉम्बी टीचर के काटने से सिद्धार्थ भी ज़ॉम्बी बन जाता है।
सुबह सुबह कर रहा है? अरे मैं तुझसे बात कर रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा तुझे क्या? अरे लड़के सुन वरना तेरी पिटाई कर दूंगी। अरे अरे ये क्या तूने फिर से काजल का मेकअप पोत लिया है? अरे ऐसे क्या घूर रहा है? क्या ज़ॉम्बी के काटने से दादी भी ज़ॉम्बी बन जाती है? पता नहीं, सुबह सुबह सीमा चिंकी पिंकी सभी गायब है। मुझे तो लगता है सभी काजल के ही घर पे है। अरे हाँ हाँ, यहाँ तो भीड़ जमा है, पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है, जरूर यही होंगे सब। अरे काजल बहन यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा है? अरे काजल बहन मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही? अरे काजल बहन तुम गुस्सा हो क्या मुझसे? अरे जवाब क्यों नहीं दे रही? अरे काजल क्या हो गया, तब से पूछे जा रही बोल क्यों नहीं रही, क्या हो रहा है? चिंकी पिंकी सीमा यही है क्या? अरे ये क्या काजल, अरे तुम्हारा चेहरा ऐसे क्यों लग रहा है? अरे काजल, अरे अरे तुम तो बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसी हो। अरे हाँ यहाँ तो सभी ज़ॉम्बी जैसे हो गए। अरे क्या सभी ज़ॉम्बी बन गए? अरे बचाओ बचाओ बचाओ, अरे कहीं मुझे काट डालो, मुझे काट डालो। अरे काजल ये नहीं करो ये नहीं करो, मुझे मत काटो, इतने सारे तो ज़ॉम्बी बने हुए हैं। अरे ये क्या, ये ज़ॉम्बी तो गीता आंटी को भी काट लेंगे। हाय नैया यहाँ तो सबके सब ज़ॉम्बी बने हुए हैं, बेकार का मैं यहाँ आ गया। अरे चिंकी पिंकी सीमा सभी ज़ॉम्बी कैसे बन गए? अरे इन सबको कैसे ठीक करूँ? अरे सिद्धार्थ तुम भी ज़ॉम्बी बन गए। अरे मैं क्या करूँ? अरे मुझे मत काटो, इतने सारे खुद काट के बना दिया ज़ॉम्बी, मैं ना बनूँ तो क्या हो जाएगा? अरे मान लिया आप भी ज़ॉम्बी बन गए। अरे 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 क्या करूँ, भागो यहाँ से भागो। यहाँ गीता भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है, अब सभी ज़ॉम्बी बन करके काजल के घर में घूमते होते ऊपर सोना ये सब देख रही होती है। सब के सब ज़ॉम्बी बन गए, पता नहीं सब कैसे ठीक होगा। इसमें श्याम भी आ जाता है जब वो घर में देखता है। अरे मेरे घर में इतनी सारी भीड़ क्यों जमा है? अरे ये क्या, यहाँ तो सभी ज़ॉम्बी बने हुए हैं। अरे अरे मेरे बच्चे कहाँ हैं पता नहीं, अरे यहाँ तो सभी ज़ॉम्बी नजर आ रहे हैं। अरे इन सबको कैसे ठीक करूं? अरे ये तो पिछले वाले गांव की तरह सभी ज़ॉम्बी में बदल गए हैं। अरे उस गांव में जैसे एंटीडोज देकर के ठीक किया गया था, यहाँ भी लगता है इन लोग को ऐसे ही ठीक करना पड़ेगा। अरे सोना और मुनमुन तो छत पे छुपे हुए, अच्छा इन्हें यहीं पे रहने देता हूं, वरना वो लोग नीचे आ जाएंगे तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। अरे जाता हूं जल्दी से एंटीडोज लेकर के आता हूं, जल्दी से लेकर के आता हूं। अरे डॉक्टर भी नहीं है, लगता है सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। अरे कितना मुश्किल होगा करना मुझे, लेकिन करना तो मुझे है ही, मुझे हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी, इन सब को ठीक करना है मुझे। जल्दी से जाता हूँ एंटीडोज लेकर के आता हूँ। यहाँ श्याम एंटीडोज लेकर के आता है। ये एंटीडोज जल्दी से जाकर के सबको लगा देता हूँ, इन्हें वापस से ठीक कर देता हूँ। और ये काजल भी ज़ॉम्बी बन गई है, इसे जल्दी से लगा देता हूँ, ये मुझे मदद कर देगी। हाँ श्याम काजल को एंटीडोज लगाता है, इसके बाद काजल भी होश हो जाती है। अरे काजल होश में आओ, तुम्हें ठीक होकर के मेरी मदद करनी है, मिलके सबको ठीक करना है। अरे ये मुझे क्या हो गया? अरे मुझे याद आया, मुझे तो ज़ॉम्बी ने काटा था। अरे सोना के पापा आप आ गए, अच्छा हुआ आप आ गए, देखिए ना अरे हमारा पूरा घर ज़ॉम्बी से भर गया है, सभी ज़ॉम्बी बन गए हैं। हाँ काजल तुम भी एक ज़ॉम्बी बन गई थी, मैंने तुम्हें ये एंटीडोज दिया है फिर तुम ठीक हुई हो। चलो सबको मिल करके ठीक करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से करना, कहीं वो तुम्हें दोबारा ना काट ले। चलो चलो सबको ये एंटीडोज लगाते हैं। श्याम जाकर के सभी ज़ॉम्बी को एंटीडोज लगाता है और ज़ॉम्बी ठीक होने लगते हैं। काजल हमें क्या हो गया था, यहाँ तो सभी ज़ॉम्बी बन गए हैं। ध्यान से कहीं ये दोबारा ना काट ले, सोना के पीछे कितनी भयानक ज़ॉम्बी बनी हुई है, सबसे पहले इसे ही जाकर के लगाता हूँ, ये तो बहुत खतरनाक वाली ज़ॉम्बी है। अरे मैं यहाँ कहाँ से आ गई, मैं तो कहीं और थी, लगता है ये तो सोना का घर है। अरे मुझे याद आया, मुझे तो ज़ॉम्बी ने काटा था, भागो यहाँ से। अरे टीचर जी ध्यान से जाइएगा, फिर ना ज़ॉम्बी काट ले आपको। अरे ये तो सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ तू भी ज़ॉम्बी हो गया, चल तू भी एंटीडोज ले ले। यहाँ सिद्धार्थ एक एक करके जितने भी ज़ॉम्बी थे सबको एंटीडोज लगा देता है और सभी ज़ॉम्बी धीरे धीरे वापस से ठीक होने लगते हैं। अरे बाप रे माँ, आप कितनी खतरनाक वाली ज़ॉम्बी लग रही है, आपको तो जल्दी से लगाना पड़ेगा एंटीडोज। सिद्धार्थ माँ को भी एंटीडोज लगा देता है, धीरे धीरे कुछ ज़ॉम्बी बेहोश हो जाते हैं, कुछ वापस से ठीक हो जाते हैं। अरे चलो मैंने यहाँ सबको एंटीडोज लगा दिया है, बेहोशी की हालत में जब ये ठीक होंगे तो वापस से ठीक हो चुके होंगे, जाकर के गांव में भी देखता हूँ कोई है तो उसे भी लगा देता हूँ।